दोस्तों टिकटॉक के ऊपर एक के बाद एक नई मुसीबत आती ही जा रही है। जैसा कि आपको पता होगा, कुछ दिनों पहले मद्रास हाई कोर्ट ने इंडिया में टिकटॉक को बैन कर दिया था। यहाँ पे रीज़न बताया गया था कि कुछ इसमें इनप्रोप्रिएट कंटेंट है, जिसके बाद में टिकटॉक ने एक्शन लिया और अपने पॉलिसीज़ में सुधार किया, बहुत सारे वीडियोज़ को रिमूव किया, जिसके बाद में कम बैक कर पाए इंडिया में। कुछ ऐसा ही हुआ था टिकटॉक के साथ इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में भी इसे बैन किया गया था, जिसके बाद में वहाँ पर भी टिकटॉक के अपने पॉलिसी सुधार वगैरह बहुत सारे वीडियोज़ को रिमूव करने के बाद वापस से कम बैक कर पाया था इंडोनेशिया में। लेकिन अब यहाँ पे इश्यूज आ रहा है यूएसए की तरफ से। यूएसए अमेरिका, जैसा कि जानते होंगे, वहाँ पे बहुत सारे टिकटॉक के यूज़र हैं। लगभग हर 3 में से 1 आदमी टिकटॉक को यूज़ करता ही है अमेरिका में। तो टिकटॉक के इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होने के बाद यूएसए में क्या हो रहा है कि वहाँ पर कुछ लोगों का कहना है क्योंकि ये चाइनीज़ कंपनी है और हमारा डेटा जो है, टिकटॉक के पास बहुत सारा डेटा है हमारा, तो हम अपने डेटा को जब कोई भी चाइनीज़ कंपनी के साथ शेयर कर रहे हैं तो हमारा डेटा इतना सिक्योर नहीं होता, क्योंकि जैसा कि जानते होंगे यहाँ पर कुछ रिलेशंस अच्छे नहीं है यूएसए और यहाँ पे चाइना के साथ में। तो चाइनीज़ कंपनी होने की वजह से इनका कहना है यूएसए की, हमारा जो डेटा है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ में शेयर किया जा सकता है, इसलिए इसे मॉनिटर किया जाना चाहिए, इसे बैन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसके बाद टिकटॉक का यहाँ पे स्टेटमेंट आया है कि जो भी यूएसए के यूज़र्स हैं हमारे पास, उसका जो भी डेटा होता है वो हम यूएसए अमेरिका के अंदर ही स्टोर करते हैं। कुछ बैकअप हम रखते हैं सिंगापुर में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जो भी है यूएसए का, यूएसए के अंदर ही रहता है, हमें चाइना से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा साफ़ किया है टिकटॉक ने। लेकिन हालांकि यहाँ पे अभी भी मांग की जा रही है टिकटॉक को बैन किया जाना चाहिए, यह यूएसए के गवर्नमेंट को इसे बैन करना चाहिए, यहाँ के लिए लोगों के लिए ठीक नहीं है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या रीज़न निकल के आता है, क्या इंडिया के जैसे हमेशा के लिए यूएसए में बैन होता है या क्या होता है टिकटॉक का भविष्य।